अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज क्रिएटिव आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं वो एक पीटीएम के नोटिस बोर्ड को किस तरह डिकोड कर सकते हैं उसके लिहाज से हम वीडियो लेके आए हैं। वीडियो में आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दिखाए जा रहे हैं कि किस तरह वेलकम बोर्ड को डिकोड किया जा सकता है, टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग्स के माहौल को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा क्रिएट करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अच्छे से वेलकम करें, उनके लिए बोर्ड्स तैयार करें, उनको उन बोर्ड्स को स्कूल के एंट्रेंस पे लगाएं ताकि पेरेंट्स जब आएं उनको वेलकम फील हो, उनको अच्छा फील हो, उनको स्पेशल फील करवाएँ। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ टीचर्स के अच्छे बॉन्डिंग बनाने के लिए टीचर्स को भी अपने बोर्ड्स को, अपने क्लास को, अपने स्कूल को अच्छे से डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड्स को उनके लिए स्पेशल बोर्ड बनाएं, उनका अच्छा वेलकम करें। वीडियो में आपको मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज़ दिखाए गए हैं जिनमें मुख्तलिफ तरीक़ों से बोर्ड्स को डिकोड कर सकते हैं, पेरेंट्स का वेलकम कर सकते हैं। बोर्ड्स को बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आर्ट, कोई भी क्रिएटिविटी बना सकते हैं, कोई फ्लावर्स बना सकते हैं। टीचर्स को और पेरेंट्स की मीटिंग को अच्छा क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह बोर्ड्स भी बना सकते हैं, क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड को डिकोर कर सकते हैं, उनके ऊपर चॉक के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, वेलकम लिख सकते हैं जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको तमाम आइडियाज़ पसंद आएंगे और अपने स्कूल में इन आइडियाज़ को अपने स्कूल में ज़रूर यूज़ करेंगे। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़।